Now let's see the second hypothesis, which is overdominance hypothesis. Okay, so idea of this hypothesis was initially put forward by Fisher in 1903, and later it was again proposed by East and Schell independently in 1908. All right, and later it was expanded and elaborated by East in 1936 and Hull in 1945. All right, so these are the scientists along with their years are very important from the point of view of competitive exam, so please remember them. So now moving on to this hypothesis. So according to this hypothesis, heterosis result due to superiority of heterozygote over the two homozygotes. In simple terms, ये हाइपोथेसिस कहना चाहती है कि हमारी हमारी जो F1 हाइब्रिड में हम हेटोसिस देखते हैं, वो उसका रीज़न होता है क्योंकि जो हमारा हेटोजाइगोट है, हेटोजाइगोट कंडीशन जो होती है, वो हमारी सुपीरियर होती है दोनों होमोजाइगोटिक कंडीशन से. सो दैट इज़, हम इस चीज़ को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ए दिस इज़ अ हेटोजाइगोटिक कंडीशन, is superior to both of the homozygotic condition. All right. So the term overdominance was given by or coined by Hull in 1945 while he was working on maize. All right, and this hypothesis is also known by various other terms, which are stimulation of heterozygosis, or cumulative action of divergent alleles, or superdominance. So please remember them. All right, now let's see its features. What are the features of this hypothesis, which will give you insight to this hypothesis deeper? So according to this hypothesis, heterosis is directly proportional to the heterozygosis. मतलब जितना ज़्यादा हेटरोजाइगोसिस कंडीशन में होगा हमारा हाइब्रिड, उतनी ज़्यादा वो हाइटोसिस शो करेगा या फिर हाइब्रिड ब्रीडर शो करेगा. ऑलराइट, एंड द सेकंड वन इज सुपीरियरिटी ऑफ F1 हाइब्रिड
और हेट्रोजाइगोट अराइज ड्यू टू फर्स्ट प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड सब्सटेंस इन हेट्रोजाइगोट विच डिफर फ्रॉम बोथ होमोजाइगोट. तो कुछ कंडीशंस में हमारा जो हेट्रोसिस है वो इसलिए देखने को मिलता है क्योंकि F1 हाइब्रिड में जब वो हेटरोजाइगोटिक कंडीशन में होता है तो उसमें कुछ ऐसा हाइब्रिड सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है जो कि दोनों होमोजाइगोट कंडीशन में नहीं देखा जाता है और वो सुपीरियर होता है या फिर मतलब वो आपके करेक्टर को आपको फेवर करता है. ठीक है, तो इसलिए वो सुपीरियर हो सकता है हेटरोजाइगोट होमोजाइगोट से. एंड द सेकेंड वन इज ग्रेटर बफरिंग कैपेसिटी इन हेट्रोजाइगोट. तो सेकेंड कॉज इसका हो सकता है कि हेट्रोजाइगोटिक केस में हेट्रोजाइगोटिक कॉम्बिनेशन में आपको बफरिंग कैपेसिटी ज़्यादा देखने को मिलती है और इसका रीज़न क्या है? क्यूमुलेटिव एक्शन ऑफ डाइवर्जेंट एलील्स. आपका जो डाइवर्जेंट एलील्स है उनका जो प्रोडक्ट्स है या फिर उनका जो एक्शन है वो एक साथ जुड़ जाता है तो इसीलिए आपको बफरिंग कैपेसिटी देखने को मिलती है हेटरोजाइगोट के कंडीशन में जो कि होमोजाइगोट में नहीं होती क्योंकि उसमें सेम टाइप की एलील कॉम्बिनेशन होती है. इसमें अलग अलग टाइप के डाइवर्जेंट एलील साथ में कंबाइन करती हैं तो इसी वजह से हेटरोजाइगोट सुपीरियर होता है होमोजाइगोट के. ऑलराइट, द थर्ड वन इज हेट्रोसिस is governed by the actions of divergent alleles such as A1, A2, A3, A4. ठीक है, और जो कि ये अपने function में differ करती हैं या फिर gradually ये increase होती हैं डाइवर्जेंस में. मतलब इसको आप ऐसे देख सकते हैं कि A1, A2, A3, A4, हाँ तो ये अपने फंक्शन में ग्रेजुअली इंक्रीज होती है तो इसलिए उनको डाइवर्जेंट एलील बोला जाता है. ठीक है, एंड द लास्ट वन इज कॉम्बिनेशन ऑफ मोर डाइवर्जेंट एलील्स विल शो हायर हेट्रोसिस than the combination of less divergent alleles. इस चीज़ को आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे मैंने कि अभी यहाँ पे बताया कि A1, A2, A3 ऐसे ये सब अपने divergent function में gradually increase होती जाती हैं. इसका मतलब क्या होता है कि A1 और A4 सबसे ज़्यादा अपने फंक्शन में डिफर करेंगी. ठीक है, लेकिन A1 और A2 सबसे कम डाइवर्जेंट होंगी. ठीक है, और उस ऐसे ही A1 और A4 से तो कम होगी लेकिन A1 और A2 से ज़्यादा होगी डाइवर्जेंट अपने फंक्शन में. तो इस ये कहने तो फोर्थ फीचर के अकॉर्डिंग आपका हेट्रोसिस इन A1 एंड A4 will be more than the heterosis
will find in A1 or A2 condition, alright? तो हेट्रोजाइगोट कंडीशन में ये दोनों हैं, लेकिन हेट्रोसिस आपका ज़्यादा देखने को किस में मिलेगा, जिसमें आपकी ज़्यादा डाइवर्जेंट वाली एलील कॉम्बिनेशन प्रेजेंट होगी. सो दैट वाज ऑल अबाउट ओवर डोमिनेंस हाइपोथेसिस एंड इट इज कॉमनली ऑब्जर्व्ड इन मेज एंड कॉटन. Now moving on to the third hypothesis, which explains the genetic basis of heterosis, and that is epistaxis hypothesis. Epistaxis hypothesis. First, we'll understand what epistaxis means. So, epistaxis refers to the interaction between alleles at different locus. That is the simplest definition you will get. इसका मतलब होता है कि आपका epistaxis का तब होता है, जब आपको देखने को मिलता है, जब different locus पे जो alleles आपके present हों वो interact आपस में करें, ठीक है. और ये आपने genetics में पढ़ा होगा, बहुत सारे इसके actions होते हैं, तो will not go there. बस आप इतना समझिए कि epistaxis का मतलब होता है कि interaction होता है दो अलग अलग एलील्स में. ऑलराइट, सो दिस इज ऑल्सो नोन एज नॉन एलीलिक इंटरेक्शन. अभी आप पूछेंगे यहाँ पे तो इंटरेक्शन हो रहा है एलील्स में, तो फिर यहाँ पे आप नॉन एलीलिक इंटरेक्शन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे अलग अलग लोकस की जो एलील्स होती हैं उसमें इंटरेक्शन होता है. जो सेम ट्रेट की या सेम करेक्टर की जो एलील्स होता है उसमें इंटरेक्शन नहीं होता. फॉर एग्जांपल, आपका अगर टोल हाइट के लिए ये एलील है टी और टी, और आपका ऐसे ही कलर के लिए या फिर उसके शेप के लिए ये मान लो राउंड सीड है आपका, ये एलील है आर और आर, ठीक है. तो इसमें इंटरेक्शन एपिस्टेसिस के अकॉर्डिंग इंटरेक्शन होगा इसमें या इसमें, इसमें या फिर इसमें, इसमें या फिर इसमें. आपस में इंटरेक्शन को नहीं बोलते हैं एपिस्टेसिस, ठीक है. अलग अलग लोकस पे जो एलील्स प्रेजेंट रहती हैं उसको, उसके इंटरेक्शन को बोलते हैं, ठीक है. तो 1952 में गुविन ने सजेस्ट किया था कि हेट्रोसिस might result due to influence of one locus over the expression of another locus. तो इसका मतलब है कि हेट्रोसिस का जो कॉज हो सकता है वो ये हो सकता है क्योंकि एपिस्टेसिस उसमें इन्वॉल्व हो रहा है. मतलब कि एक लोकस के एक्सप्रेशन में कोई दूसरा लोकस या दूसरा एलील उस पर इफेक्ट डाल रहा है, इन्फ्लुएंस डाल रहा है, या तो वो उसके एक्सप्रेशन को बढ़ा भी सकता है या फिर घटा भी सकता है, ठीक है. तो हम देखते हैं कि नॉन एलीलिक इंट्रैक्शन के टाइप्स जो होते हैं वो तीन तरह के होते हैं. फर्स्ट वन इज एडिटिव इनटू एडिटिव, ए इनटू ए, डोमिनेंस इनटू डोमिनेंस, डी इनटू डी, एंड लास्ट वन इज डोमिनेंस इनटू एडिटिव, या फिर एडिटिव इनटू डोमिनेंस, आप इसको कैसे भी लिख सकते हैं. तो ए
डी इन टू ए या फिर ए इन टू डी, ठीक है? तो ये एनोना एलिलिक इंट्रैक्शन के टाइप्स हैं, पर ऐसा देखा गया ऐसे एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस के थ्रू देखा गया कि एपिस्टेसिस पार्टिकुलरली इन्वॉल्विंग डोमिनेंस इफेक्ट विच इज डी इंटू डी इज इन्वॉल्व इन हेट्रोसिस और हाइब्रिड विगर. तो इसका मतलब है नॉन एलिलिक इंट्रैक्शन मेनली डोमिनेंस इफेक्ट जो शो करता हो विच इज डी इंटू डी, डोमिनेंस इंटू डोमिनेंस, वो इन्वॉल्व होता है आपके हेट्रोसिस में, ठीक है? वो आपका कोर्स होता है हेट्रोसिस का. ऑलराइट, तो ये एपिस्टेसिस देखा जाता है आपका मतलब इन अगेन कोटन एंड मीस दैट वाज ऑल अबाउट एपिस्टेसिस हाइपोथेसिस. आपको इतने समझना ज़रूरी है इस हाइपोथेसिस में. और एट लास्ट जो मैंने यहाँ पे आपको तीनों हाइपोथेसिस के बारे में बताया, यूनिवर्सली इन तीनों में से द फर्स्ट वन विच इज़ डोमिनेंस हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड बाय ऑल ऑफ द साइंटिस्ट फॉर द मेन कॉज और जेनेटिक बेसिस ऑफ हेट्रोसिस. मतलब डोमिनेंस हाइपोथेसिस को मेन जेनेटिक बेस माना जाता है हेट्रोसिस का. ऑलराइट, तो ये मेन इम्पॉर्टेंट बात थी. Now we'll move on to the last topic of our heterosis, which is fixation of heterosis. Okay guys, so as I told you in our last video that heterosis is mainly confined to F2 generation only, which means आपका हेट्रोसिस जो है सिर्फ आपकी F2 जनरेशन तक ही दिखता है. उसके बाद वो ग्रेजुअली डिक्लाइन करने लगता है और इवेंचुअली वो डिसअपियर हो जाता है ड्यू टू सेग्रीगेशन, ठीक है? तो आप अपनी पॉपुलेशन में हेट्रोसिस को कैसे फिक्स कर सकते हैं, ठीक है? तो इसके फोर मेनली मैकेनिज्म हैं एंड द फर्स्ट वन इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो हेट्रोसिस कैन बी फिक्स्ड बाय असेक्सुअली प्रोपोगेटिंग क्रॉप्स एंड इट इज मेनली सीन इन केस ऑफ बनाना, शुगर केन, स्वीट पोटैटो एट्सेट्रा. सो एज यू कैन सी दीज ऑल थ्री ऑफ दिस क्रॉप्स आर मेनली प्रोपोगेटेड बाय वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. सो here we can easily fix heterosis and we have seen that hybrids are mainly produced in such cases, in these crops I mean, where we can easily fix heterosis. Now the second one is apomixis. बेसिकली असेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप कर इसलिए रहे हैं क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेग्रीगेशन होता है. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई सेग्रीगेशन ही का कोई कंसेप्ट ही नहीं होता, ठीक है? इसमें उसमें मेनली माइटोसिस ही इन्वॉल्व होता है, मियोसिस नहीं इन्वॉल्व होता है. तो इस वजह से आपका हेटोसिस एज इट इज़ ट्रांसफर हो जाता है आपकी नेक्स्ट जनरेशन में. ऑलराइट, एंड द सेम गोज फॉर द सेकेंड मैकेनिज्म विच इज एपोमिक्सिस. एंड वॉट यू मीन बाय एपोमिक्सिस? इट इज़ अ डेवलपमेंट ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन. ये इसकी डेफिनेशन होती है. और आप जानते होंगे एपोमिक्सिस में जो एपोमिक्टिक प्रोजेनी होता है या फिर एपोमिक्टिक सीड होता है वो मेनली आपका आता है मैटरनल डिप्लॉइड सेल से. मैटरनल डिप्लॉइड सेल से. तो इसी वजह से जो आपका एपोमिक्टिक प्रोजेनी होता है वो एकदम आइडेंटिकल होता है आपके मेटर्नल पेरेंट्स से.
Hence, we can easily fix heterosis shown in maternal parent in apomictic progeny by the help of apomixis. All right. And examples include roses, citrus fruits, blackberries, etc. Alright, and the third one is balanced lethal system. So important one. So this system is also involved in the fixation of heterosis, and we can understand it by an example. So in evening primrose, इसका साइंटिफिक नेम है ओइनोथेरा स्पीशीज. तो इन सम केस इन इवनिंग प्राइमोस आपका जो हेटरोसिस है या फिर जो बेसिकली जेनेटिक सेग्रीगेशन है वो सप्रेस कर दिया जाता है. इज सप्रेस बाय दिस सिस्टम, बैलेंस लीथल सिस्टम. ठीक है. हाउ? सो इन दिस केस होमोजाइगोट्स आर लीथल. ऑलराइट. जो भी प्रजनी आपके होमोजाइगोटिक कंडीशन में होती हैं वो वो होमोजाइगोट कंडीशन क्योंकि लीथल होती है तो वो मर जाती है, दे डाई. ऑलराइट. वेयर एज हेटरोजाइगोट्स वो तो मर जाते हैं लेकिन ये लीथल नहीं होती हैं, तो दे लिव. तो इसी वजह से जो आपके सारे होमोजाइगोट्स हैं वो पॉपुलेशन में से वैनिश हो जाएंगे, आपको होमोजाइगोट्स देखने को ही नहीं मिलेंगे, लेकिन सारी पॉपुलेशन मतलब हेटरोजाइगोट्स से ही बनी होगी. और जैसे कि मैंने आपको पहले समझाया, हेटरोजाइगोट्स सुपीरियर होते हैं आपके कुछ केसेस में हेटरोजाइगोट सुपीरियर होते हैं अपने बोथ ऑफ द पेरेंट्स के. तो इसी वजह से जो बैलेंस लीथल सिस्टम है वो हेटरोजाइगोट फिक्स कर देता है इस मैकेनिज्म के द्वारा. ठीक है. एंड द फोर्थ एंड लास्ट वन इज पॉलीप्लॉइडी. पॉलीप्लॉइडी का मतलब है कि आप हेटरोसिस फिक्स कर रहे हो बाय क्रोमोसोम डबलिंग. और इसको आप मेनली करते हो इन केस ऑफ इंटर स्पेसिफिक और इंटरजेनरिक हाइब्रिड्स के केस में. ठीक है. जैसे कि आप जानते होंगे कि इंटर स्पेसिफिक मतलब दो स्पीशीज़ के बीच में जब हाइब्रिड प्रोड्यूस किया जाता है, और इंटरजेनरिक जब दो डिफरेंट जनराज के बीच में हाइब्रिड प्रोड्यूस किया जाता है. तो नॉर्मली जब इन ये दोनों हाइब्रिड प्रोड्यूस होते हैं वो नॉर्मली स्टराइल होते हैं. ठीक है. वो प्रोजेनी प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, लेकिन अगर आप उनको उनमें क्रोमोसोम डबलिंग कर देते हो तो वो फर्टिलिटी शो करना स्टार्ट कर देते हैं. और इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है वीट और राई का क्रॉस. और आप सब जानते होंगे वो सी क्या प्रोड्यूस करती है, ट्रिटिकेल. ठीक है. तो इस केस में भी जब वीट और राई का क्रॉस कराया गया तो जो हाइब्रिड निकल गया है जो कि हमारे जो मतलब ट्रिटिकेल वो पुअर फर्टिलिटी शो कर रहा था, लेकिन हमने जब उसमें क्रोमोसोम डबलिंग की तो वो फर्टिलिटी शो करने लगा. तो इस वजह से जो आपका हाइटोसिस है वो क्रोमोसोम डबलिंग के द्वारा फिक्स हो जाता है. मतलब आप फिर वो अगली जनरेशन भी फिर ऐसे ही हाइटोसिस शो करने हाइब्रिड विगर शो करने लगती हैं. ठीक है. तो दैट वाज ऑल अबाउट हाइटोसिस एंड इट्स फिक्सेशन. होप यू गेट अ क्लियर व्यू ऑफ दिस टॉपिक एंड थैंक यू. अगर आपको कुछ भी इसमें समझना हो, कुछ भी डाउट्स हो, तो प्लीज़ ड्रॉप देम इन द कमेंट्स बिलो. एंड दैट थैंक यू.